सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारी प्यारी ऑडियंस जानती है कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, ताकि हमारे प्यारे व्यूअर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, खरीदने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि जब वो अपनी जेब से उस पर पैसा लगाने लगें तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत, कंफ्यूजन या पछतावा ना हो कि ये हमने क्या ले लिया और क्यों कर दिया। उसी तरीके से आज बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं आपको सामने खड़ी दी ऑल न्यू टोयोटा टाइजर का। मारुति फ्रोंक्स की एक कज़न है, लेकिन दोनों के बीच प्राइस के और बहुत चीज़ों के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इस बीच टोयोटा टाइजर लेना सही रहेगा या फ्रोंक सही रहेगा, इस चीज़ के बारे में हम आपको आज क्लियर कर देंगे। रिव्यू के लिए हम ओनर को बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले गाड़ी का आपको एक ऑल ओवर वॉक अराउंड दे देते हैं कि अगर टोयोटा टाइजर आप लेते हैं तो उसमें आपको मिलेगा क्या क्या। पहले तो आपको ये बता दूँ कि मेजर चेंज फ्रोंक्स और टाइजर में क्या है। ये जो आप फ्रंट ग्रिल का लोगो देख रहे हैं, ये तो ब्रांड का चेंज है ही है। अदर देन दैट, इसकी फ्रंट ग्रिल और फ्रोंक्स की बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फ्रोंक्स की वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, आप ध्यान से देख लेना। इसमें जो फ्रंट में स्किड प्लेट मिल रही है, ये सिल्वर मिल रही है। मोटा मोटा अगर फ्रंट की बात करें तो यही कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, इंक्लूडिंग दीज DRLs। ये है टोयोटा टाइजर का S वेरियंट, जो कि मारुति फ्रोंक्स का बिल्कुल डेल्टा वेरियंट भी कहलाता है। अगर बात करें इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, सबसे पहले तो कुछ इस तरीके की आपको चाबी मिलने वाली है, सेम मारुति वाली, बस यहाँ लोगो टोयोटा का होगा। लॉक अनलॉक इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा और बिल्कुल बेसिक की है। दूसरी ओर इसमें आपको प्रोजेक्टर हेलोजन बेस्ड बल्ब मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आपको जो ये DRL मिल रहे हैं, ये फ्रोंक से बहुत डिफरेंट है, इसमें इंडिकेटर वर्क करते हैं। अगर साइड्स की बात करें, आपको इस वेरियंट में 16 इंच के टायर मिलेंगे। चाहे आप इसका बेस वेरिएंट लेना या टॉप लेना, सब में आपको 16 इंच के टायर मिलने वाले हैं। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ये प्रोवाइड करेगी गाड़ी, और साथ ही आपको ये जो ORVM है ना, ये एडजस्ट एज वेल एज रिट्रैक्ट दोनों करने के ऑप्शन मिलने वाले हैं। फ़र्क सब इतना है कि जब आप इस गाड़ी को अनलॉक करोगे, बस ये तब वर्क नहीं करेंगे, अदरवाइज जब ये गाड़ी स्टार्ट होगी, मैनुअली आप इसको ऑपरेट करेंगे तो एडजस्ट और रिट्रैक्ट दोनों होने वाले हैं। चारों आपको पावर विंडो मिलने वाली है, ड्राइवर विंडो, ऑटो टच डाउन और एंटी पिंच भी इसमें आपको मिलने वाला है। और अगर बात करें पीछे से आपको यहाँ पे सेम फ्रोंक्स वाला LED लाइट सेटअप मिलने वाला है, जो कि बहुत प्यारा है। 308 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिलने वाला है, 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। ये जो रूफ रिल्स आप देख रहे हैं, ये भी आपको इस वेरियंट में मिलने वाली है। और अगर अंदर की बात करें कि अंदर क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप दोनों मिलने वाले हैं, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, और साथ ही इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन एक ऑडियो सिस्टम मिलने वाला है विद 4 स्पीकर्स। और अगर बात करें कि इसमें क्या नहीं मिलेगा, रियर कैमरा इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलने वाला, यहाँ तक कि इससे अपर वेरिएंट में भी आपको रियर कैमरा नहीं मिलेगा। अगर AC की बात करें, AC भी इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलता है। आप देखिए कि किस तरह का सेम बिल्कुल मारुति वाला AC है। इंटीरियर से गाड़ी के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस एक टोयोटा का लोगो आपको मिल रहा है, अदरवाइज बिल्कुल मारुति फ्रोंक्स और इसका इंटीरियर बिल्कुल सेम है। ये जो सीट मिल रही है आपको, ये ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, नॉर्मल एडजस्टमेंट इसमें मिलने वाली है। और अगर रियर की बात करें, आपको मिड हेडरेस्ट और तीनों के तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। तो ऑल ओवर अगर बात करें ना कि दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ये सब बातें मैंने आपको बता दी, अब हम ओनर को बुलाते हैं जिनसे इनका प्योरली ओनरशिप रिव्यू लेंगे कि उनको ये गाड़ी कैसी लगी। तो हमारे महेंद्र सिंह अंकल जी ने इस गाड़ी को लिया है, जिनका आप चैनल पर स्वागत करते हैं। महेंद्र सिंह जी, चैनल पर स्वागत है और नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भाई। अंकल जी, गाड़ी से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैंने ये गाड़ी 22 जुलाई को ली थी। कहने का मतलब अभी 15 दिन पहले अंकल ने गाड़ी ली है। तो अंकल जी, आपसे सबसे पहला सवाल तो मेरे से यही है, मारुति की एक फ्रोंक्स आती है, हाँ जी हाँ जी, जो बिल्कुल यही गाड़ी है, दोनों का टाइप भी है, यहाँ तक कि असेंबल भी एक जगह हो रही, तो आपने टोयोटा टाइजर लेना क्यों ठीक समझा फ्रोंक्स की बजाय?
क्योंकि टोयोटा गाड़ी मैं पहले भी चला चुका हूँ तो मेरे टोयोटा पे ज्यादा भरोसा है। अच्छा, आपको रिलायबिलिटी में आफ्टर सेल सर्विस में उधर ज्यादा मजा आता है। तो आपने ये वेरिएंट जो आपने टाइजर का एस वेरिएंट लिया, आपको कीमत में ऑन रोड कितने का पड़ा? ये मेरे को 9,90,000 रुपए का पड़ा। अच्छा, 9,90,000 रुपए का। आपको इस गाड़ी पे कोई वेटिंग वगैरह दी उन्होंने? बस एक हफ्ता। बस एक हफ्ते में आपको गाड़ी दे दी? हाँ। लोगों को तीन तीन छह छह महीने की बुकिंग मिल रही है। मेरी पहले बात हो गई थी, मगर भाई ऐसे है 22 जनवरी को सामान लगना है। हाँ जी। और सोमवार का दिन है तो मेरे जुलाई को, हाँ जी। हाँ, जुलाई में चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने आपकी मान ली और आपको। हाँ। या यूं कह सकते हैं अंकल जी की चलती बहुत होगी। बस बस ऐसा कुछ नहीं। तो आप मेरे को अब ये और बताइए, इसमें ना दो इंजन आते हैं जो इसमें मिला है, पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड है, एक टर्बो आता है। ये इंजन मैक्सिमम पावर 89 BHP और टॉर्क 113 न्यूटन मीटर की निकाल रहा है। जब आप इसको हाईवे पे लेके गए हो, कभी दिल्ली घूमने गए या कहीं भी, आपको इसकी परफॉर्मेंस ठीक लगी? हाँ, मैं परसों ही ले गया था उसको कुंडली बॉर्डर तक, ले गया था, मेरे तो अच्छी लगी। मतलब 5 सवारी भी थी इसमें, मैंने कोई लोड लाड कोई ऐसी, मतलब आपको यूं तो नहीं लगा ओवरटेक कर रहा हूँ तो दब रही है कहीं या कुछ? मतलब आप कंफर्टेबल थे? बढ़िया थी बिल्कुल। और इस बीच माइलेज भी आपने कुछ तो निकाली होगी नई गाड़ी? माइलेज मैंने इसकी निकाल ली है इसकी, बल्कि मैंने फोटो भी ली थी मीटर की। हाँ जी, इसकी भाई साहब इसने निकाल ली है 18 की। 18 की माइलेज इसने निकाल दी, आप देख ले। सही कह रहे हो, मैं यूट्यूब की वीडियो में ये वीडियो फोटो डाल के मेंशन कर दूंगा कि नई गाड़ी जो अब तक कुछ भी नहीं चली, हाँ। उसने 18 की माइलेज आपको दे दी। हाँ। और अगर आपने कभी लोकल पानीपत की अपने क्राउड बहुत है, हाँ। वहाँ चलाई हो, वहाँ भी चलाई है मैंने, उसमें मेरे को ये 17.5 के करीब निकाल लिया। मैं लोकल से ही आता हूँ, मैं 25 किलोमीटर सवेरे आना, 25 शाम को जाना। सही बात, कहने का मतलब नई गाड़ी से भी 17-18 की माइलेज आप निकाल रहे हैं। और जैसे गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी मिला है, हाँ। आपको ये ऑटोमेटिक एसी ने ठंडक दी या बस ठीक ठाक ही है? नहीं, कूलिंग बढ़िया, अच्छी है कूलिंग। कूलिंग बढ़िया लगी? हाँ। ठीक है। और अगर बात करें कि पूरी गाड़ी जो आपने ली है, आपकी फैमिली कहीं ना कहीं खुशी हुई होगी इस गाड़ी को लेके? और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आपको गाड़ी में सबसे अच्छी चीज क्या लगी वैसे पूछूं तो? गाड़ी ठीक है, अच्छी है। मैं जैसे आप 9,90,000 रुपए लगा रहे हो और मैं पेट्रोल में ले रहे हो। हाँ जी, जाना तो मैं सीएनजी के साथ था। सही बात, लेकिन है। फिर मैंने ना भाई कम चलानी है। ठीक, मेरी 50-60 किलोमीटर डेली चलनी है। हाँ भाई, 1500 किलोमीटर महीने में चलनी बस है। ठीक, तो फिर मैं पेट्रोल पे गया हूँ। पेट्रोल लेकर आपको ये इसके ऐसा है ना, पेट्रोल में डिग्गी भी यूज हो जाएगी। सही सही सही, तो अगर सीएनजी तो फिर डिग्गी नहीं यूज कर पाते आप। सही कह रहे हैं अंकल जी आप, मतलब ये डिसीजन वैसे आपका सही रहा। सीएनजी में पावर भी थोड़ी कम हो जाती है। और पिकअप भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया गाड़ी। और ऑल ओवर आपको लगा हो कि इतने पैसे भर के मेरी गाड़ी में ये चीज रह गई, काश ये भी मिल जाती। बस इसमें बैक कैमरा नहीं है और कुछ नहीं, रियर पार्किंग कैमरा नहीं है बस, और तो ठीक है। सेंसर तो है, सेंसर है। हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब भी कोई इस गाड़ी को लेने वाला है तो अगर उनकी हाइट मेरे जितनी या अंकल जी जितनी है तो ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कोई 6 फुट से ज्यादा का इंसान है, वो पहले ट्राई ले, बैठ के पीछे देखे कि उसको हेडरूम कितना मिल रहा है कितना नहीं, उसके बाद इस गाड़ी का डिसीजन बनाए। तो ऑल ओवर आपको नई गाड़ी टाइम से मिल गई, बड़े टाइम से मिली है मेरे को, और आप सेटिस्फाई भी है। तो आपको गाड़ी की धन्यवाद। अंकल जी ने हमें खड़े पैर रिव्यू दे दिया गाड़ी का, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा आभारी है। थैंक यू। इन्होंने हमें एक कॉल पे, एक फोन पे हमें पता लगा हमारे अंकल ने मंडी में गाड़ी ली है, एक फोन पे अंकल ने रिव्यू दे दिया और बड़ा ही नाइस दिया, आपका उस चीज के लिए धन्यवाद। तो आप भी अगर टोयोटा टाइजर प्लान कर रहे हैं, फ्रोंक्स प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फ्रोंक्स से लगभग 30,000 रुपये महंगी जरूर मिलती है, लेकिन यहाँ आपको टोयोटा की बैजिंग, रिलायबिलिटी, उनकी आफ्टर सेल सर्विस और टोयोटा 1,00,000 किलोमीटर की आपको वारंटी देती है, 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर। हाँ। या 4 साल? एक नहीं, फिर मैंने एक्सटेंड करवाई है इसकी वारंटी। अच्छा, आपने एक्सटेंडेड भी ली है? हाँ। ठीक है। और आपको 5 साल का रोड साइड असिस्टेंट भी टोयोटा देने वाली है। तो जिन लोगों को लगता है कि टोयोटा की कोई गाड़ी लेनी है तो वो इसको जरूर प्रीफर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि टर्बो वेरिएंट वो लेना जो हाईवे पे ज्यादा चलते हैं और पंजा दबाने की आदत है, और जो सिटी में ज्यादा प्रीफर करते हैं गाड़ी को, वो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेना, उनको मजा आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।